तो कभी घमंड करके न बैठो। ये न सोचो कि हम इनसे ऊंचे ये हमसे नीचे। और ये भी दिल में नहीं आना चाहिए कि हमारे पास पैसा ज्यादा ये गरीब है। और ये भी न सोचो कि हम ताकत वाले ये कमजोर है। और ये भी न सोचो हम विद्वान है ये अज्ञान है। और बक्ता बक्ता जिसका काम बकने का होता है सुबह से शाम तक बकता ही रहता है, जैसे भी कथा कह रहा है जैसे उसे बड़े ध्यान मग्न होकर के सुननी चाहिए। ये श्रोता का धर्म होता है। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है अच्छी बातों को धारण करे और गलत बात कहीं छोड़ दे, उसी को कथा सुनने का फल मिलता है। लेकिन अब लेकिन अगर मगर किंतु परंतु का मतलब कुछ अलग है। पहले ऐसा था, पहले कथा सुनने वाले थे, अब कथा सुनने वाले एक तरीका के नहीं है, कई तरीका के, कितने तरीका के, एक विद्वान ये बता रहे हम कथा सुनने वाले आठ तरीका के। आठ कौन कौन से? कुछ लोग ये सोचते चलो घर पे बैठे बैठे टाइम ही नहीं कट